क्षेत्र के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ब्यावर गोमती मार्ग का निर्माण अब उदयपुर रोड चुंगी नाके से शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट में चुंगी नाका स्थित पुलिया से पिंडवाड़ा पुलिया तक का लगभग 800 मीटर का हिस्सा भी शामिल कर लिया गया है। पूर्व में ब्यावर गोमती मार्ग पिंडवाड़ा पुलिया से शुरू किया जाना था। विद्युत वितरण निगम की ओर से हाल में चुंगी नाका पुलिया से पिंडवाड़ा पुलिया तक विद्युत पोल लाइन को शिफ्ट करने के लिए NHAI को लगभग 29 लाख का तखमीना सौंपा गया है। NHAI की ओर से निगम में सुपरविजन चार्ज के तौर पर 5% राशि जमा कराने के बाद NHAI द्वारा शिफ्टिंग का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इससे पूर्व ब्यावर डिवीजन द्वारा सनवा से राज्यवास तक पोल शिफ्टिंग को लेकर लगभग 45 लाख का तखमीना दिया गया था। इसके साथ ही जवाजा सब डिवीजन द्वारा राज्यवास से शेरों का बाला तक पोल शिफ्टिंग के लिए लगभग 1,75,00,000 का तखमीना दिया गया है। NHAI द्वारा तखमीने की 5% राशि होने के बाद निगम के सुपरविजन में पोल वे लाइन शिफ्टिंग टंग का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित हाईवे से पोल वे लाइन शिफ्टिंग के बाद ही ब्यावर गोमती हाईवे मार्ग के निर्माण में गति आएगी। मार्ग निर्माण की जद में आ रहे विद्युत पोल वे लाइन को शिफ्ट किए बगैर मार्ग विस्तारीकरण कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है, इसलिए NHAI द्वारा अब जल्द ही लाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ब्यावर गोमती मार्ग विस्तारीकरण योजना के अनुसार इस दौरान 6 फ्लाई ओवर का निर्माण होगा। इसके साथ ही मार्ग पर 43 छोटे ब्रिज के साथ ही एक आरओबी का निर्माण किया जाएगा। ब्यावर से गोमती तक 4-लेन कार्य हो जाने के बाद दिल्ली से जयपुर अजमेर ब्यावर राजसमंद उदयपुर और अहमदाबाद तक यात्रा सुगम हो जाएगी। ज्ञात रहे कि ब्यावर गोमती राजमार्ग की कुल लंबाई 116.3 किलोमीटर है, जिस पर 721.62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उक्त परियोजना 2 चरणों में पूर्ण होगी। इस दौरान 100 विद्युत टावर शिफ्ट होंगे। परियोजना मार्ग में 43 छोटे ब्रिज ओवर ब्रिज व 6 फ्लाई ओवर का निर्माण होगा। इस परियोजना के बाद इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका काफी कम हो जाएगी। इस मार्ग पर कई ब्लैक स्पॉट ऐसे थे जहाँ पर वाहनों की गलत ओवरटेकिंग के कारण दुर्घटनाएं होती रहती थी। वर्तमान में यह सड़क जयपुर से ब्यावर तक 6 लेन तथा गोमती से उदयपुर तक 4 लेन में है। अभी हाईवे अथॉरिटी के द्वारा आरके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड जो इसका हाईवे का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उदयपुर रोड चुंगी नाके से लगभग 500-700 मीटर आगे का टुकड़ा जो इनका बचा हुआ था, उसके लिए एस्टीमेट लाइन शिफ्टिंग के लिए एस्टीमेट डिमांड की गई है, जिसका डिमांड एस्टीमेट तकमीना एस्टीमेट बनाकर आगे उच्च अधिकारी को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही उसका डिमांड पूरा कर दिया गया।